मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय ने दी इंडियन फंड सोसाइटी और बॉटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ नेशनल सिंपोसियम का आयोजन किया। आयोजन में वैज्ञानिकों ने बॉटनी के साथ बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा की। इस दौरान मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर और सीडी गौरव तिवारी ने कहा, यह आयोजन सेंट्रल इंडिया में पहली बार आयोजित हुआ है। सेमिनार के माध्यम से वनस्पतियों के ज्ञान के साथ उनकी उपयोगिता पर भी चर्चा होगी। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में एडवांसेस इन टेडोलॉजी रिसर्च के वर्तमान और भविष्य की स्ट्रेटजी को लेकर सेमिनार का आयोजन हुआ। आयोजन में दी इंडियन फंड सोसाइटी और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। दी इंडियन फंड सोसाइटी का यह नेशनल सिंपोजियम 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें बॉटनी और बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होगी। सेमिनार के जरिए वनस्पतियों की उपयोगिता के साथ उनके औषधियों में फायदों को बताया जाएगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर भरत शरण सिंह ने कहा कि इस तरह के सेमिनार से जहां पीजी करने वालों को एक्सपोजर मिलता है, वहीं समाज को भी इससे कई फायदे होते हैं। उन्होंने मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कोरोना के समय बांटे गए आयुर्वेदिक काढ़े की सराहना की और कहा कि मानसरोवर ने बड़ी मात्रा में काढ़े का वितरण किया, जो कि लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने में सहायक रहा। उन्होंने बताया, इस सेमिनार में खेती से लेकर औषधियों के रिसर्च में भी फायदा मिलेगा। इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको भी लाभ मिलता है। और जैसा कि इस समय आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये विषय भी बाहर निकलेगा कि हम कम से कम जमीन में किस प्रकार से खेती कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, औषधीय वनस्पतियों की कृषि कर सकते हैं, और ऐसे बहुमूल्य औषधियाँ जिनको हम कम स्थान पर भी खेती करके और उनको हम मार्केटिंग कर सकते हैं, और उससे जो हमारी आय में वृद्धि होगी और एक एक परिवार आत्मनिर्भर होगा, उस आत्मनिर्भरता से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा। वही कार्यक्रम को लेकर मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सीईडी और प्रो चांसलर गौरव तिवारी ने कहा कि सेंट्रल इंडिया में यह अपने तरह का अलग सेमिनार है। दी इंडियन फंड सोसाइटी ऐसे सेमिनार का आयोजन करता है और यह सेंट्रल इंडिया में इस तरह का पहला आयोजन है। आयोजन में वैज्ञानिक बॉटनी और बायोडायवर्सिटी पर चर्चा करेंगे। यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। इंडियन फर्न सोसाइटी और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय ने एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें देश विदेश के करीब 50 रिसर्च फेलोज एवं वैज्ञानिकों ने यहाँ पे पधारे हैं। और अगले 4 दिन तक फर्न्स, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बॉटनी का, उस पर चर्चा होगी। हमारे देश एक बायोडाइवर्सिटी के मामले में दुनिया के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में से एक है, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ ऐसे वैज्ञानिक भी आए हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट हिमालय से अंडमान से 10,000 नई स्पीशीज़ को खोजा है और उनको एक म्यूज़ियम में और एक फॉसिल लाइब्रेरी के माध्यम से अलग अलग जगह पर शोकेस भी किया है। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है, ना केवल मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि यह फर्न सोसाइटी एक 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 100 साल में इनका हर साल नेशनल सिंपोजियम होता रहा है, परंतु आज तक एक भी नेशनल सिंपोजियम इनका मध्य भारत में नहीं हुआ, जबकि मध्य भारत भी बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। और मुझे लगता है कि इससे हमारे इन वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षण हमारे मध्य प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी की तरफ भी होगा, और इससे हमें इन जनरल, ना केवल इस इन वैज्ञानिकों को, ना केवल हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को, बल्कि मध्य भारत को भी काफ़ी फायदा होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।